अभी हम कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं जो कि हाइपरबोला से रिलेटेड हैं। उनमें जो पहली एग्जांपल हमें गिवन है वो एग्जांपल हमें कहती है कि भाई आपको एक हाइपरबोला दी हुई है जिसकी ये इक्वेशन है, और इस इक्वेशन से आपने ये पांच चीज़ें निकालनी हैं। नंबर वन, वर्टिसेस निकालने हैं, फोकाई निकालने हैं, लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस निकालनी है, जो असम्पटोट्स आपके बनते हैं उनकी इक्वेशन निकालनी है, और सेंटर टू फोकस जो आपका डिस्टेंस बनता है ये निकालना है। ये चंद चीजें आपको निकालनी पड़ेंगी। अच्छा, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सिंपली हमें ये पता है कि अगर हम जो स्टैंडर्ड फॉर्म्स वाली हैं चीजें हैं जो वो सारी प्रॉपर्टीज हैं उनको अपने सामने रखें, तो उससे हमें ये क्लियर होता है कि अगर हमें ए, बी और सी ये तीन चीजें पता चल जाएं तो हम ये सारी चीजें उन्हीं से निकाल सकते हैं। अब उसके लिए फिर हमें ये पता होना चाहिए कि इस इक्वेशन में ए और बी क्या है। तो इस इक्वेशन में सबसे पहले हम ए और बी की वैल्यू निकाल लेंगे, फिर हम सी की वैल्यू निकाल लेंगे, जिससे फिर हम ये बाकी सारी चीजें निकाल सकते हैं। लेकिन अगर हम गौर करें तो ये हमारी जो इक्वेशन है ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। जो हमने स्टैंडर्ड फॉर्म देखी थी वो और तरह की नजर आती थी, उसमें डिवीजन में कुछ चीजें आती थी और राइट साइड पे वो हमेशा वन आता था। ये ऐसा केस इधर नहीं है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो सर 144 को बोथ साइड पे डिवाइड करते हम हैं। इसको इस इक्वेशन को डिवाइड करेंगे दोनों साइड पे 144 से। तो हम ये 9x² 144 से डिवाइड करेंगे, -16y² / 144 = 144/144। तो हमारे पास जो आखिर पे इक्वेशन आएगी वो क्या बनेगी जी, x² / कितना आएगा नीचे, 16। इसको जब आप 9 को से डिवाइड करेंगे तो ये 16 आएगा, और इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो नीचे 9 आएगा, और इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो ये 1 आएगा। ये आपकी क्या आ गई, ये आपकी स्टैंडर्ड इक्वेशन आ गई। ठीक है जी, ये आपकी स्टैंडर्ड इक्वेशन आ गई। अब इस स्टैंडर्ड इक्वेशन से हम क्या करेंगे, हम ए स्केयर और बाकी सी चीजें जो उनको आइडेंटिफाई करेंगे। अच्छा, अब अगर हम गौर करें तो इसमें पॉजिटिव x² पॉजिटिव टर्म है, वाई स्केयर वाली नेगेटिव टर्म है। तो इसका मतलब है जो पॉजिटिव टर्म है उसके नीचे जो लिखा होगा वो ए स्केयर होगा, जो नेगेटिव टर्म के नीचे लिखा होगा ये बी स्केयर होगा। तो इसका मतलब हमारे केस में ए स्केयर इज 16 और बी स्केयर इज 9। ठीक है, तो हमें ये पता चल गया। हम इसको यूं लिख लेते हैं कि हमारा जो ए स्केयर है वो क्या है जी, वो 16 के बराबर है, और उससे हमें पता चल जाएगा कि ए की वैल्यू क्या है, और ए इज एक्चुअली इक्वल टू 4। ठीक है ना, ए स्केयर भी पता चल गया और बी स्केयर भी पता चल गया, वो 9 के बराबर है, और इससे हम निकाल सकते हैं कि बी किसके बराबर है, वो 3 के इक्वल आता है। अच्छा, ये आई होप आपको क्लियर हो गया कि मुझे ये कैसे पता चला कि ए स्केयर कौन सा है और बी स्केयर कौन सा है। हमने ये जैसे जिक्र किया था, जो पॉजिटिव टर्म होगी उसके नीचे हमेशा ए स्केयर आएगा, और जो नेगेटिव टर्म होगी उसके नीचे हमेशा बी स्केयर आएगा। ठीक है, ये निकालने के बाद अब हमें ए और बी पता चल गया, इससे हम इजीली कुछ चीजें पता कर सकते हैं, साथ ही हम लगते हैं सी भी पता कर लेते हैं। अच्छा, ये सी होता है ये क्या था, ये असल में सी था हमारा सेंटर टू फोकस डिस्टेंस, जो हमें क्वेश्चन में पांचवी चीज कही गई थी ना, आखिरी वाली सेंटर टू फोकस डिस्टेंस, ये निकालनी थी। तो ये असल में हमें सब पहले निकालना पड़ेगा, तब हम ये बाकी चीजें निकाल सकेंगे। तो इसलिए हम ये वाला काम पहले कर लेते हैं। मैं इसके साथ ई पार्ट भी लिख देता हूँ कि भाई हम ई पार्ट को पहले सॉल्व करने जा रहे हैं। तो इसके लिए हमें इक्वेशन पता है कि सी जो होता है वो हमेशा इक्वल टू होता है ए स्केयर प्लस बी स्केयर अंडर रूट। ए स्केयर हमारे केस में 16 है, बी स्केयर 9 है, इनको जब हमने ऐड किया तो ये 25 का अंडर रूट आ गया, और सी असल में 5 के बराबर आ गया। तो इसका मतलब सेंटर टू फोकस जो डिस्टेंस है वो 5 है, जो हमारे हमने निकाल लिया। अब और ये हमारे पास बाकी चीज़ें आ गई थी, अब हम वर्टिसेस निकाल सकते हैं। तो हमारा जो ए पार्ट था वो उसके लिए हमें वर्टिक्स निकालने हैं। तो अगर हम अपनी स्टैंडर्ड इक्वेशन की जो प्रॉपर्टीज हैं वो अपने सामने रखें, तो हमारा जो वर्टिसेस बनते हैं वो +-A,0 बनते हैं, और ए हमारे केस में 4 है, तो इसका मतलब ये +-4,0 आ गया। बी पार्ट हमारा था फोकाई पता करने थे, फोकाई हमें पता ये +-C के
कॉमा जीरो के इक्वल होते हैं, और सी हमने ये निकाला था, इसका मतलब ये प्लस माइनस फाइव कॉमा जीरो आ गया, फोकाई आ गया हमारे पास। उसके बाद जो सी डी पार्ट था, तो डी में हमें एजम्प्टोट चाहिए होते हैं, तो एजम्प्टोट्स की इक्वेशन हमें पता थी कि वो प्लस माइनस बी बाई ए एक्स थी। तो अब अगर हम यहाँ से बी और ए की वैल्यू पुट कर दें तो असल में ये प्लस माइनस बी था थ्री, ए था फोर और एक्स, तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई एजम्प्टोट्स। और ई जो पार्ट था वो हमने पहले ये कैलकुलेट कर लिया था। अब अगर आप चाहें तो इसको ड्रॉ करना चाहें तो आप ड्रॉ भी कर सकते हैं, अगर किसी ने कहा कि इसको स्केच भी करें तो फिर आप इजीली इसको स्केच भी कर सकते हैं। ये मैं फिलहाल स्केच नहीं कर रहा, ये आपकी टास्क होगी कि आपने ये जो इन्फॉर्मेशन अब आपके सामने आ गई है इस इन्फॉर्मेशन को यूज़ करते हुए इसका ग्राफ लाजमी बनाना है, ठीक है। क्वेश्चन में तो ग्राफ नहीं पूछा गया था, लेकिन पेपर के अंदर जब मैं ये इस तरह का क्वेश्चन दूंगा तो मैं आपको लाजमी ग्राफ बनाने का कहूँगा, क्योंकि जब तक चीज़ें ग्राफ के तौर पर सामने नहीं आती तो बंदे को सही तरह समझ नहीं आती। तो जो ग्राफ होता है वो असल में चीज़ों को समझने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, इसलिए आपने इसका ग्राफ लाजमी बनाना है, ठीक है जी। तो ये हमारी एग्जाम्पल नंबर वन कम्प्लीट हुई। जो सेकंड हमारे पास एग्जांपल है उसमें उसने हमें कुछ चीज़ें कही हैं जी, ये फाइंड करें। फाइंड क्या करें जी, सबसे पहले आप वर्टिसेस पता करें, फोकाई पता करें, लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस पता करें, एसिम्प्टोट्स पता करें, और अगर इक्वेशन दिए, ये इक्वेशन दी है उसने हाइपरबोला की और कहा है कि ये एक दो तीन चार चीज़ें आप पता करें, और सेंटर वाला जो सेंटर टू फोकस डिस्टेंस है वो उसने कहा तो नहीं है, लेकिन जाहिर है उसके बगैर हम अपने बहुत सारी चीज़ें नहीं पता कर सकेंगे, वो भी हमें पता करनी पड़ेगी। लेकिन इक्वेशन को गौर से देखें, क्या इस इक्वेशन से आपको फीलिंग आ रही है कि ये आपकी हाइपरबोला की इक्वेशन है, क्योंकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। तो हम सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लेके आएंगे सर? तो 9 को अगर डिवाइड कर लें, 9 को डिवाइड कर दें, लेकिन राइट साइड पे हमारा 0 आ रहा है, ये 0 भी नहीं है, 0 डिवाइडेड बाय एनीथिंग 0 ही होगा ना सर? हाँ, लेकिन आपको पता ना स्टैंडर्ड इक्वेशन कहती है कि राइट साइड पे 1 आना चाहिए हमेशा। जी सर, ओ थोड़ा सा अच्छा, इसके लिए फिर हम ऐसा करते हैं सर, फिर इसको ऐसा करते हैं 9 को साइड पे लेके जाके फिर डिवाइड कर दें। हाँ जी, वेरी गुड। तो हम ऐसा करेंगे कि ये जो 9 है इसको दूसरी साइड पे ले जाएंगे, तो हम फिर थोड़ा माइनस 9 को डिवाइड करेंगे, इक्वेशन को सिंपलीफाई करेंगे कि एक्स स्क्वायर माइनस 9 वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 9 आ जाए। तो अब हमें ये भी पता है कि चले यहाँ तो 9 तो आ गया, तो ये 0 खत्म हो गया। अब यहाँ एक मसला है कि हमने इसको 1 बनाना है, और 1 भी पॉजिटिव 1 होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो हम अपनी इस इक्वेशन को नेगेटिव 9 के साथ डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो नेगेटिव 9 के साथ जब मैंने इसको डिवाइड किया तो एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई माइनस 9, माइनस 9 बाई स्क्वायर डिवाइड बाई माइनस 9 इज इक्वल टू माइनस 9 बाई माइनस 9। अच्छा, अब ये वाली टर्म क्या बन जाएगी, ये माइनस एक्स स्क्वायर बाई 9 हो जाएगी, और ये पॉजिटिव हो जाएगी, और ये 9 आपस में कैंसिल भी हो जाएगा, तो ये वाई का स्क्वायर सिर्फ आ जाएगा क्योंकि डिवाइड बाई 1 आ जाएगा, तो उसको हम नहीं लिखते, और ये जब आपस में कैंसिल हो जाएगा ये 1 के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। और सर ये फिर स्टैंडर्ड बन सेकंड स्टैंडर्ड हाइपरबोला बन जाएगी जी जी। अब इसको हम थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं, हम पॉजिटिव वाली टर्म को पहले लिख लेते हैं, हम कहते हैं जी वाई स्क्वायर इज इक्वल माइनस एक्स स्क्वायर बाई 9 इज इक्वल टू 1। तो ये अब हमारी जो इक्वेशन बन गई है, दिस इज स्टैंडर्ड फॉर्म। ये जो इक्वेशन थी हमारी, ये कन्वर्ट हो गई है अब स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो अब यहाँ से हमें कुछ चीज़ों का पता करना पड़ेगा कि यहाँ हमारी ए किसके बराबर, ए स्क्वायर किसके बराबर है, और हमारा बी स्क्वायर किसके बराबर है। आपके ख्याल में अब ए स्क्वायर किसके बराबर होगा सर? ए स्क्वायर अभी 1 आ जाएगा और बी स्क्वायर हमारे पास 9 आ गया। ए स्क्वायर हमारे पास 1 आ गया और बी स्क्वायर 9 आ गया। तो इससे
हम ये इन्फॉर्मेशन भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं कि ए इज इक्वल टू अगेन वन, क्योंकि वन का अंडर रूट वन ही होता है। जब मैंने इसका अंडर रूट लिया तो ये वन आ गया, और डी जो है डी की वैल्यू आ गई 3। ठीक है, तो इससे हमने ए और बी की वैल्यूज एक्सट्रैक्ट कर लिया। अब हमें सी की वैल्यू पता करनी है, तो सी किसके बराबर आएगा जी? सी होता है ए स्केयर प्लस बी स्केयर का अंडर रूट, और वो आएगा ए स्केयर 1 के बराबर है, 1 माइनस प्लस बी स्केयर 9 के बराबर है, ये आ जाएगा। तो असल में बी हमारा जो 10 अंडर रूट आ जाएगा। तो सी किसके इक्वल आ गया? सी इज एक्चुअली इक्वल टू अंडर रूट 10। ठीक है, ये जो ये हमारा सेंटर टू फोकस डिस्टेंस था, ये आ गया। अब ये तीन चीजें हमने निकाल ली, एक्सट्रैक्ट कर ली। अब हम इन तीनों का इस्तेमाल करते हुए अपने बाकी सारी वर्टिसेस, फोकसेस, लेंथ और बाकी सारी चीजें निकाल लेंगे। अच्छा, अब इस बात का हमें ख्याल रखना पड़ेगा कि ये हमारी कौन सी वाली टाइप है। अब हमें ये पता है पॉजिटिव साइड है वाई, पॉजिटिव साइड हमारी वाई माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय n क्यों लिखा है? अच्छा, ये ऐसे लिखा कि हमें जो इक्वेशन गिवन थी ना, वो ये थी कि एक्स स्क्वायर माइनस नाइन वाई का स्क्वायर प्लस 9 था। तो अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं थी, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले नंबर पे तो इक्वल के राइट साइड पे 1 होना चाहिए और इस पे 0 है, और बाकी नीचे डिवीजन भी होनी चाहिए, क्योंकि ये जो सर जी ये चौथा स्टेप है ना सर जी, ये समझ में नहीं आई मुझे। हाँ, मैं सारा समझा देता हूँ। उसके लिए हमने ये किया कि 9 को राइट साइड पे ले गए ताकि इस साइड पे 0 खत्म हो जाए। फिर मैंने इसको पूरी इक्वेशन को डिवाइड किया माइनस 9, मैं यहाँ लिख देता हूँ डिवाइड बोथ साइड्स बाय माइनस 9। तो मैंने माइनस 9 से डिवाइड किया इस वाली टर्म को भी, इस वाली टर्म को भी, और इस वाली टर्म को भी। ठीक है, तो अब ये वाली जो टर्म है ये माइनस 9, ये नेगेटिव साइन ऊपर ले गया, ये 9 9 इसके साथ तो कैंसिल हो गया, लेकिन ये माइनस 9 था ये, और जहाँ ऑलरेडी माइनस साइन था, तो ये इन्होंने मिलके इसको पॉजिटिव साइन बना दिया, और ये आपस में फिर थोड़ा सा रीअरेंज कर लिया, जो पॉजिटिव टर्म है उसको पहले लिख दिया, जो नेगेटिव टर्म थी उसको बाद में लिख दिया। इससे हमें ये आइडिया होगा कि इसमें से ए स्केयर किसके बराबर है और बी स्केयर किसके बराबर है, और फिर हमने सी की वैल्यू भी निकाल ली। अब ये निकालने के बाद अब हमें ये पता करना है कि ये हमारी जो ये पैरा हाइपरबोला है, ये वाली हाइपरबोला, इसका ट्रांसवर्स एक्सिस कौन सा है? इसका ट्रांसवर्स एक्सिस किसके अलोंग है? एक्स एक्सिस के अलोंग है या वाई एक्सिस के अलोंग है? यानी कि ये वर्टिकल एक्सिस है, तो ये असल में वाई एक्सिस के अलोंग है, या इसको हम यूं कह दें कि ये आपका वर्टिकली है, और ये जो वर्टिकली होंगे इसके लिए फिर हमारे जो फोकाई, वर्टिसेस और लेंथ वगैरह हैं, फोकाई और वर्टिसेस वाले और एसिम्प्टोट्स, इनकी इक्वेशन बदल जाएंगे, इनकी इक्वेशन कुछ और होंगे। वो आपने इंफॉर्मेशन अपने सामने रखनी है, फिर उससे आप इजीली पता कर सकेंगे। और अकॉर्डिंग टू आर प्रॉपर्टीज ऑफ सेकंड स्टैंडर्ड हाइपरबोला, हमारे पास जो वर्टिसेस होंगे, सॉरी वो 0, ± a के बराबर होंगे, और a हमारे पास था जी 1 के बराबर, तो ये प्लस माइनस 1 होगा। जो हमारे फोकाई है 0, ± c के बराबर होगा, और वो 0, c हमारे केस में था अंडर रूट 10, तो प्लस माइनस अंडर रूट 10 होगा, ये c हो गया। फिर c जो है वो लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस, ये हमें पता है हमेशा 2a के बराबर होती है, और 2a इज a इज इक्वल टू 1, तो इसका आंसर आएगा 2। और जो d हमारे पास पार्ट आया एसिम्प्टोट्स का, ये किसके बराबर होंगे? ये प्लस माइनस a डिवाइडेड बाय b होंगे। ठीक है, ये हमारे सेकंड वाले की a डिवाइडेड बाय b होते हैं, तो हमारा ए इसमें प्लस माइनस लगाया, ए 1 था, बी कितना था जी? बी 3 था। ठीक है, और ये एक्स, तो ये हमारे पास ओवरऑल टर्म आ गई।
इसको फिर आप ड्रॉ भी करेंगे और ये आपके वाई एक्सिस के अलॉन्ग ड्रॉ होगी, और फिर आप इसको सारा लेबल भी करेंगे। लेबलिंग भी बड़ी ज़रूरी है, जिसमें आप ए की वैल्यू के वर्टिसेस कहाँ होंगे, सी कहाँ होगा, बी कहाँ होगा, ये सारा चीज़ें आपने उसमें मेंशन लाजमी करनी होगी। जिस तरह हमने ये स्टैंडर्ड फॉर्म अगर आप देखें तो ये ट्रांसफर ट्रांसफर पिछली पिछली ये जो पूरी हमने ये जो डायग्राम बनाए थे ना, जिसमें एक एक चीज को हमने लेबल किया था, ये लेबलिंग भी बड़ी जरूरी है। ठीक है, जो पेपर में इंशाल्लाह मैं आपको लेबलिंग भी लाजमी पूछूंगा कि आपने लेबलिंग भी करनी है। आपको क्या क्वेश्चन था निशान? तो जी वो ट्रांसफर पिछली पेज पे जो किया वही, तो जी नहीं जो पिछले पेज पे किया। अच्छा, पिछले पेज पे तो हमने जस्ट ये पता किया था कि हमारा ट्रांसवर्स एक्सिस कौन से एक्सिस के अलोंग है, वो एक्स एक्सिस के अलोंग है या वाई के अलोंग, क्योंकि उसके हिसाब से फिर हमारे फोकाई और वर्टिसेस इस्तेमाल होंगे। ठीक है, यस, तो ये हमारी होगी एग्जांपल नंबर टू। अब बस दो एग्जांपल्स और सर, कोई ऐसी एग्जांपल नहीं है सर जिसमें मतलब हमें कोई उन्होंने वर्टिसेस फोकाई वगैरह दिए और हमें हमसे डिमांड करें कि आप इक्वेशन फाइंड करें? जो एग्जांपल नंबर थ्री है वो बिल्कुल सेम यही है जो आप कह रहे हैं, तो आपकी फरमाइश बिल्कुल पूरी हो गई। अब हम एग्जांपल नंबर थ्री को डिस्कस करते हैं, और एग्जांपल में आप जो पहले हमें इक्वेशन गिवन होती थी और हमने हम उससे वर्टिसेस और फोकाई पता करते थे, अब इसमें उसने हमें चीजें रिवर्स में कही हैं कि आप इक्वेशन फाइंड करें हाइपरबोला की, कि अगर आपको वर्टिसेस प्लस माइनस 3.0 गिवन हो और फोकाई प्लस माइनस 4.0 गिवन हो, तो ये दो अगर इंफॉर्मेशन आपको गिवन हो तो इससे आप निकालें इक्वेशन। तो बड़ी सिंपल है, तो सबसे पहले कुछ इंफॉर्मेशन हमें गिवन है, उस गिवन इंफॉर्मेशन का हम सहारा लेते हैं। सहारा हम ये लेते हैं कि हमें गिवन क्या है जी, गिवन है फोकाई, और फोकाई कौन सा है जी, प्लस माइनस 4 पहले है, प्लस माइनस 4.0 पहले है। इसका मतलब इसको हम जेनेरिकली अगर लिखना चाहें तो ये प्लस माइनस सॉरी सी, क्योंकि फोकाई सी वाला होता है तो प्लस माइनस 3.0 आ गया। इसी तरह अगर हम वर्टिसेस का जिक्र कर लें तो वर्टिसेस हमारे केस में प्लस माइनस 3 हैं, और ये हमारे वर्टिसेस किसके बराबर आ जाएंगे, प्लस माइनस 1.0 के। तो हमने क्या किया, जो हमें फिक्स्ड फोकाई और वर्टिसेस गिवन है इसको इसके साथ हमने जरा जेनेरिक वाली टर्म भी लिख ली। इससे हमें क्या इंफॉर्मेशन मिल गई, क्या कोई हमें मिल गई कोई इंफॉर्मेशन नजर आ रही है जी सर? ये मतलब के हो जो हाइपरबोला होगी ये फर्स्ट स्टैंडर्ड होगी। हाँ, इससे इससे हमें ना कुछ इन्फॉर्मेशन मिल रही है। नंबर वन हमें क्या मिल रहा है जी, पहले नंबर पे तो हमें फोकाई से ये पता चल रहा है, अच्छा सी जो है ना वो 4 के बराबर होगा, सी इसके बराबर होगा। वर्टिसेस वाले से हमें पता चल रहा है जी ए जो है ये 3 के बराबर होगा। अच्छा, ठीक हो गया। उसके बाद जो अगली चीज हमें पता चल रही है वो ये कि भाई फोकाई जो है ये एक्स एक्सिस के अलोंग है। फोकाई के अगर कोऑर्डिनेट्स को आप देखें तो ये एक्स एक्सिस के अलोंग है। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ लिखता हूँ ताकि याद दिहाने के लिए, तो सेंस द वर्टिसेस एंड फोकाई आर ऑन एक्स एक्सिस, सो स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला इज, स्टैंडर्ड इक्वेशन कौन सी बनेगी, क्योंकि ये एक्स एक्सिस के अलोंग है तो एक्स स्क्वेयर वाली टर्म पॉजिटिव होगी। इसका मतलब एक्स स्क्वेयर डिवाइडेड बाई ए स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर डिवाइडेड बाई बी स्क्वेयर इज इक्वल टू 1, ये आंसर आना चाहिए। इस तरह की इक्वेशन होनी चाहिए। अब इसमें हमें दो इन्फॉर्मेशन पता अगर चल जाएं, एक ए स्केयर अगर बी स्केयर, तो हम डायरेक्ट पुट करेंगे और इक्वेशन आ जाएगी। लेकिन हमारे पास सिर्फ दो इन्फॉर्मेशन है, एक सी है और एक ए है, तो आप इस इन्फॉर्मेशन को यूज करते हुए बी निकाल सकते हैं। जी सर, यस सर।
हमें ये पता है कि भाई जो सी स्केयर होता ना ये ए स्केयर प्लस बी स्केयर के बराबर होता है, ये तो हमें पता है। तो अब अगर हम जहाँ वैल्यूज पुट कर दें या थोड़ा सा रीअरेंज भी कर लें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, हम बी को इस साइड पे एक साइड पे रहने दें तो ये सी स्केयर माइनस ए स्केयर इज इक्वल टू बी स्केयर आ जाएगा। तो सी स्केयर किसके बराबर है जी, सी स्केयर 16 के बराबर होगा क्योंकि 4 का स्केयर होगा, माइनस ए स्केयर किसका बराबर होगा जी, 9 के बराबर होगा और बी स्केयर आ गया। इसको आप माइनस लेंगे तो क्या आएगा आपका आंसर 7। तो बी स्केयर किसके बराबर आ गया जी 7। और यहां से हमें ए स्केयर पता चल सकता है कि ए स्केयर किसके बराबर है, वो 9 के। तो ए स्केयर 9 के बराबर है, बी स्केयर 7 के बराबर है। तो ये दो इन्फॉर्मेशन जो हमें पता चल गई हैं, ये हम अगर डायरेक्ट इस वाली इक्वेशन में पुट कर दें तो हमारा फौरन से आंसर आ जाएगा। तो एक्स स्केयर डिवाइडेड बाय ए स्केयर इज इक्वल टू 9 माइनस वाई स्केयर इज इक्वल टू सॉरी डिवाइडेड बाय बी स्केयर विच इज इक्वल टू 7 इक्वल टू 1। तो ये वो इक्वेशन है जो हमसे डिमांड की गई थी कि भाई ये इक्वेशन पता करें अगर आपको फोकाई और वर्टिसेस ये दोनों गिवन हो। ये बात क्लियर होगी जी। अब हम एग्जांपल नंबर 4 को डिस्कस करते हैं और इसमें देखते हैं कि इसमें हमें क्या डिमांड किया गया है। सबसे पहले तो उसने डिमांड ये किया कि इक्वेशन पता करें हाइपरबोला की, अगर आपको वर्टिसेस पता हो और वो है 0, ±2 और असिम्प्टोट पता हो। अच्छा अब ये देखें चीजें थोड़ी सी बदल गई हैं। एग्जाम्पल जो 3 थी उसमें हमें फोकाई पता था और वर्टेक्स पता था, ये दो चीजें पता थी। अब उसने हमें फोकाई नहीं बताया, वर्टेक्स बता दिया लेकिन साथ असिम्प्टोट्स बता दिए। वो असिम्प्टोट्स जो वो जो लाइंस थी ना जो एक बाउंड्री बना रही थी हमारी कर्व की, कर्व की उस कर्व की बाउंड्री की इक्वेशन बता दी। तो अब उससे हमें ये इंफॉर्मेशन निकालनी पड़ेगी कि भाई ये इसकी इक्वेशन क्या बनेगी। ठीक है, तो अब उसके लिए हमें सबसे पहले तो क्या करना पड़ेगा, हम थोड़ा सा कुछ चीजें सेटल कर लेते हैं। पहले तो हमें ये बताओ कि हमारी ये जो हाइपरबोला इक्वेशन बनेगी या इक्वेशन हम यूज करेंगे ये कौन सी वाली इक्वेशन यूज करेंगे, हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन कौन सी वाली होगी। तो इसमें जो वर्टेक्स है, हाँ जी सेकंड वाली होगी, जो वर्टेक्स है हमें वो बता रहा है कि सिंस द वर्टेक्स इज ऑन वाई एक्सिस, तो इक्वेशन इज अब वाई जो है वो पॉजिटिव टर्म के साथ आएगा माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 3 स्क्वायर। तो ये हमारी इक्वेशन जेनेरिक इक्वेशन ये है। अब इसके लिए हमें ए स्केयर पता होना चाहिए और बी स्केयर पता होना चाहिए। अच्छा अब वो जो वर्टिसेस हैं तो अब गिवन हमारे पास है जी वर्टिसेस हमें गिवन है जी 0, ±2 और ये वर्टिसेस किसके बराबर होते हैं जी 0, ±1 के। इससे ए पता चल जाएगा, ए किसके बराबर आएगा, ए इज एक्चुअली इक्वल टू 2, ये इंफॉर्मेशन मिल गई। और इसी से मुझे ए स्केयर भी पता चल सकता है, ए स्केयर असल में 4 के बराबर है। अच्छा ए पता चल गया, अब बी पता करना है किसी तरह, उसके लिए हम असिम्प्टोट्स का सहारा ले लेते हैं। अच्छा अब ये जो असिम्प्टोट हमें गिवन है y इज इक्वल टू ±2x, अब आप जरा वो इंफॉर्मेशन वो जो प्रॉपर्टीज थी सेकंड स्टैंडर्ड पैराबोला हाइपरबोला की वो निकाल के जरा मुझे ये बताइए कि जो हमारे असिम्प्टोट्स थे उनकी जेनेरिक इक्वेशन किसके बराबर है। सर वो थी y इज इक्वल टू ±a डिवाइड बाय bx, ±a डिवाइड बाय b bx x x। अगर ये तो इसमें सर a हमारा 2 होगा और b जो होगा वो 1 होगा। हाँ जी वेरी गुड, इसका मतलब है अगर हम थोड़ा सा इसको रीअरेंज करें तो हमारा ये जो y है ये समय +-2 डिवाइड बाय 1 x है,
तो वन हमारा ये जो है वन वो बी के बराबर है और टू हमारा ए के बराबर था। टू का तो हमें पहले पता चल गया था लेकिन हमें बी का पता करना था, तो इसका मतलब है हम यहाँ से हमने बी की इंफॉर्मेशन निकाल ली विच इज इक्वल टू वन, और इसी से हमारा बी स्क्वायर भी आ गया विच इज ऑल्सो इक्वल टू वन। तो अब तो बड़ा सिंपल हो गया, अब हमें सिंपली ए स्केयर भी पता है, हमें बी स्केयर भी पता है, हम जस्ट इसमें पुट करते हैं और अपनी इक्वेशन निकाल लेते हैं। तो हमारे पास वाई स्केयर डिवाइडेड बाय 4 आ जाएगा और माइनस एक्स स्केयर डिवाइडेड बाय 1 आ जाएगा। इसको ऐसे लिख लें या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, तो वाई स्केयर डिवाइडेड बाय 4 माइनस एक्स स्केयर इक्वल टू 1। तो ये दोनों हमारे पास ठीक है, तो ये हमारे पास वो फाइनल आंसर आ गया कि जिससे हमने हाइपरबोला की इक्वेशन पता कर ली। ठीक है जी, तो आई होप आप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। अब आपको अगर वर्टेक्स पता हो और फोकाई पता हो तब भी आप इक्वेशन निकाल सकते हैं, अगर हमें अजमटोर्स पता हो और वर्टेक्स पता हो तब भी निकाल सकते हैं, और अगर हमें वर्टेक्स के अलावा फोकाई दे दिया जाए, फोकाई और अजमटोर्स ये दे दिए जाए, हम उससे भी ये वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है जी, अभी कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? नो सर।